हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं साइज 14.1 के बारे में। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया कि क्या पूछ रहा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म। तो प्यारे बच्चों, हमारा टर्म दे दिया, पूछ रहा भैया कॉमन फैक्टर क्या है। तो प्यारे बच्चों, बताया था मैंने कॉमन फैक्टर मतलब क्या कि भैया जो चीज़ हमारी दोनों टर्म में होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग बेसिकली कॉमन फैक्टर कहेंगे। जैसे कि अब देखिए, हमारा 12x है और 36 है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग बचपन में क्या SCA पढ़ते थे कि जब आपने मान लीजिए 8 दिया है और आपका दिया है बेसिकली आपका 16, तो हम लोग 8 को क्या लिखते थे, 2 × 2 × 2 लिखते थे कि नहीं? बिल्कुल लिखते थे। प्यारे बच्चों, 16 हमारा क्या होता था, 2 × 2 × 2 × 2 होता था। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग SCF निकालते तो हम लोग क्या करते थे, कॉमन लेते थे भैया कि हमारा जो चीज़ हमारे दोनों में हो। चलिए, एक यहाँ से 2 मिला, एक यहाँ से 2 मिला, यहाँ से मिला, तो कुल मिला जुला के इन दोनों में हमारा 3 हमारा 2 कॉमन है, यानी कुल मिला जाए 2 × 2 × 2, यही हमें क्या मिला, कॉमन मिला। तो यानी 8 ही आपका क्या हो जाता, SCF हो जाता था। तो प्यारे बच्चों, सेम उसी प्रकार भैया हमें जब भी हम फैक्टर निकालेंगे क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे भैया हमारा कॉमन क्या मिला। कॉमन मतलब भैया जो चीज़ हमारी दोनों में हो, ठीक है। जैसे कि आप हैं और आपका भाई होगा तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होगी नहीं, मतलब जो चीज़ें आपकी सेम हो। तो उसी प्रकार इसमें भी हम लोग कॉमन मान लीजिए, या तो आप लोग जनरल सेंस में कह सकते हैं भैया जो चीज़ हमारी दोनों में सेम हो। तो चलिए, हम लोग 12x को क्या लिख सकते हैं, 12x को लिख सकते हैं 12 × x लिख सकते हैं। 36 को लिखिए आप लोग, हाँ यार, हाँ वो सही, 12 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों में कॉमन बताइए क्या हमारा आ रहा है। देखिए, हाँ, इसमें हमारा 12 कॉमन आ रहा है। तो भैया हमारा 12 भी आपका इसका एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। बस जो हमारा चीज़ें भैया कॉमन हुई, हमारी कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि आज हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि भैया आपको 2y दिया है और क्या दिया, 22xy दिया है। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। जैसे 2y को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × y लिख देंगे, और 22y क्या लिखेंगे, 2 × 11 × x × y। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भैया इसके जो हमारा मल्टीपल में उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो भैया इसमें बताइए क्या कॉमन है, एक तो भैया हमारा 2 कॉमन मिल रहा है और एक हमारा क्या प्यारे बच्चों, 2y कॉमन मिल रहा है। तो बस 2y आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो कुल मिला जुलकर हमें बस यही बात ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों, एक शब्द में, कि भैया जो चीज़ हमारी कॉमन होगी या जो चीज़ हमारी सेम होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर कहेंगे। चलिए, अब आप लोग भी बताइए इसका क्या होगा, एक बार सोचिएगा ज़रूर। देखिए, क्या 14PQ दिया है और प्यारे बच्चों 28P² Q² दिया, बताइए आप लोग क्या होगा। हाँ, बहुत सही। देखिए, हमारा 14PQ है तो भैया 14 × P × Q है। तो प्यारे बच्चों, 28 क्या 2 × 14 × P × P × Q × Q लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से भैया 14 हमारा कॉमन आ रहा है और P आ रहा है। देखिए, यहाँ पे 14, यहाँ 14, यहाँ पे P, यहाँ पे P, यहाँ पर एक Q, तो सॉरी, यहाँ पे वाला हमारा Q। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या हो गया, 14PQ ही हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है। कुल मिला जुला कर हम लोग क्या कर रहे हैं कि भैया जो हमारी चीज़ें कॉमन है, जो चीज़ें हमारी सेम है, वही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जा रहा है। अब हम देखिए, अब हम थोड़ा अंदाजे करेंगे। जैसे हमारा देखिए, इसमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x दिया है, 3x² दिया है, 4 दिया है। चलिए, इसमें बताइए कॉमन क्या, एक बार सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही, इसमें हमारा 2 है, 2 के सिवा कुछ है नहीं है। देखिए, इसमें 2 तो एक मिनट, इसमें हमारा 1 होगा, क्यों, क्योंकि भैया इसमें तो हमारा कोई नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमारा क्या होगा, फैक्टर हमेशा 1 होगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 को कर देंगे, भैया यही आपका क्या है, कॉमन फैक्टर है। देखिए, अच्छा, चलिए इसका आप लोग एक बार गेस करें। 6ABC दिया है, 24AB² दिया कॉमन, 12A² दिया। तो चलिए प्यारे बच्चों, बताइए भैया इसमें क्या है कॉमन। हाँ, सबसे पहले तो हमारा भैया 6 मिल रहा है। देखिए, 6 सबका मल्टीपल है कि नहीं, तो प्यार से हमारा 6 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं प्यारे, ए सब में है, बिल्कुल है, लेकिन एक ही ए हमारा है। देखिए, इसमें हमारा तो भैया A², लेकिन भैया इधर हम लोग एक ही मिल रहा है कॉमन, तो भैया ए हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। और प्याचो बी देखिए, तीनों में है, बिल्कुल तीनों में है, लेकिन प्याचो सी भैया हमारा केवल एक ही में है, तो हम लोग सी को नहीं करेंगे, यानी 6AB क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अभी आप लोग प्यारे जो प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोग क्लियर हो जाएगा। बस आँख मुन कर एक बात ध्यान रखें, जो चीज़ हमारी सब में कॉमन रहेगी उसे हम लोग कॉमन ले लेंगे। चलिए भैया, 6 वाला बताइए क्या होगा इसका। 16x³ दिया है कॉमन, −4x²² दिया है, 32x दिया। चलिए, इसमें बताइए आप लोग। हाँ, बहुत सही, इसमें प्यारे बच्चों हमारा, देखिए हमारा 16 है, लेकिन प्यारे बच्चों भैया यहाँ पर हमारा 4 है, और 4 से ऊपर हमारा कोई मिल नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि भैया तीनों में तो रहना चाहिए आपका कॉमन,
चलिए भैया आई 4 मिल गया आप लोगों को। देखिए माइनस प्लस से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या प्यारे बच्चों की भैया माइनस रहे या प्लस रहे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 4 मिल गया प्यारे बच्चों, फिर देखिए हमारा एक्स क्यूब है लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है तो भैया एक ही एक्स कामन मिल रहा है, तो हम लोग 4x आपका क्या हो जाएगा कामन फैक्टर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे बच्चे हुए क्वेश्चन आप लोग करिएगा, वो तो बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चे देखिए मैं एक बार फिर से आप लोग बता देता हूँ, हमने बेसिकली किया क्या कि भैया जो हमारा कामन फैक्टर सॉरी जो हमारी एक्सरसाइज है कामन फैक्टर पे बेस है। कामन फैक्टर मतलब कि भैया जो चीज़ हमारी तीनों में हो, ठीक है, तीनों मतलब कि भैया सब में हो, अगर मैं 10 टर्म है तो भैया 10 टर्म में जो कामन होगी वही बात को हम लोग क्या कह देंगे कामन फैक्टर कह देंगे। या तो आप लोग इसको ऐसे भी एसएफ निकालना हमने सीखे हैं ना, कामन निकालते तो उसके तरीके से हम लोग सोच के कामन बहुत बढ़िया से निकाल सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा, ठीक है। इधर मैं इतने क्वेश्चन करवा दिया, अभी मैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब मिलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन में।